हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल औसम वाली रसोई में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम एक फ़िश की डिश लेके आए हैं आप सबके लिए। वो बहुत ही सिंपल और यमी टेस्ट होने वाला है। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं, आप देख रहे होंगे मेरे टेबल पे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सिर्फ 3 मसाले, नमक के साथ तेल, लेमन जूस एंड फ़िश। ये फ़िश बांगड़ा फ़िश है जिसे मैकरल भी कहते हैं। इसे मैंने धो के 1 घंटा नमक के पानी में भिगो के रखा था। अब मैंने पानी निकाल लिया है इससे और मेक श्योर कि इसमें पानी ना रहे। अब इसमें मैं जो मसाले आपको बताया था वो मसालों का एक पेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले वो मसाला जो है हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, फिर मैंने 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून घाटी मसाला। घाटी मसाला आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा जो मसाले बेचते हैं, नहीं मिला नो प्रॉब्लम। 1 टेबलस्पून ऑयल जाएगा, 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा, दैट्स इट। और कुछ मसाले नहीं लगेंगे इसमें और देखिएगा कितनी यमी फिश बनके तैयार हो जाएगी। आइए मसालों को मिक्स करते हैं। इस बोल में मैं सब मसाले, जो 3 मसाले विद सॉल्ट ऐड कर दूंगी। पेस्ट बनाने के लिए कोई पानी यूज नहीं होना है। ये रहा हमारा 1 टेबलस्पून ऑयल। अब ये 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस, यही वाटर है हमारे लिए फिलहाल। सो नो वाटर, नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। ये हम गुठलियां मसालों की इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम एक एक फिश लेके उसमें मसाले भरते जाएंगे। जितना मसाला मैंने बनाया है वो ये 6 फिश के लिए काफी है। अच्छे से अंदर आपको भरना है, इतना भी नहीं भरना है कि वो ड्रिप होके बाहर निकले, बस कोटिंग करनी है एक तरीके से और उसके स्लिट्स में अच्छे से मसाला लगाना है। ये देखिए हमारे सब फिशेस पे सब मसाला पूरा कंप्लीट लग चुका है। 15 मिनट्स मैरिनेशन करना है। अब हमारा फ्राइंग पैन गरम होने रखेंगे। ऐड करेंगे तेल, मैंने 1/2 कप जितना ऐड किया है, आप उतना कीजिए जितना आपका फ्राइंग पैन पे स्प्रेड हो जाए। हमें डीप फ्राई नहीं करना है, हमें शैलो फ्राई करना है। अब ये आटा है जो नॉर्मली घर में रोटी का आटा होता है, मैंने ना मैदा ना सूजी कुछ यूज किया है, ये प्लेन आटा है। एक एक फिश उठाएंगे, इस आटे से कोट करेंगे और डैप करके इस पे फ्राइंग पैन पे रख देंगे। ये देखिए आटा लगा के आपको थोड़ा सा उसको झटकना भी पड़ेगा ताकि एक्सेस फ्लावर इसमें से निकल जाए। ऐसे करते करते आप सभी फिशेस को, बहुत ज्यादा क्राउड मत करिएगा, यहाँ 6 फिशेस हैं मेरे पास, मैंने 4 को फ्राई किया है। ये देखिए आप फास्ट आंच ही रखना है, 30 सेकेंड्स ईच साइड फास्ट आंच, उसके बाद मीडियम आंच पे आपको कम से कम इसे 1.5 से 2 मिनट पकाना है। फिश को ज़्यादा नहीं पकाया जाता है पर इतना कम भी नहीं कि वो अंदर से कच्ची रह जाए। अब हम इसे इस तरह से ट्विस्ट करेंगे पैन को ताकि जो ऑयल है वो उसके स्लिट्स के अंदर, जो मुंह के साइड का स्लिट होता है, तेल वहाँ तक जाना चाहिए। ये मैंने टर्न कर लिया फिश को, देखिए नीचे से कितनी अच्छी क्रिस्पी दिख रही है, राइट। अब मैंने मीडियम आंच पे इसे 1 से 1.5 मिनट तक के लिए बिना हिलाए छोड़ा हुआ है। बस इसे एक बार आपको टर्न करना है, ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न मत कीजिए, मच्छियाँ टूट जाती है। अब देखिए मैं इसके स्लिट्स उठाकर आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर तक पक गया है। इसी तरह आप ट्विस्ट करेंगे तो ये जो तेल है ये ऑटोमेटिकली जो उसका खुला हुआ हिस्सा है उसमें भी चला जाएगा। बस कुछ नहीं, अभी आप देखिए हम इसे डिश आउट भी करेंगे फटफट और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल आउटलुक कि ये कैसे दिखता है। तो चलिए डिश आउट करें। देखिए रेडी है हमारी बांगड़ा मैकरल फिश फ्राई। आई एम श्योर आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।